तो यहाँ पर हम कॉमरेड अप्लायंसेस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कंपनी 2017 में बनी थी, यानी करीब 6 साल पुरानी कंपनी है। ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी कंपनी को नहीं है। अगर कॉम्परेट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सटेंसिव एरे ऑफ एयर कूलर्स एंड इलेक्ट्रिक गीजर्स। जो एयर कूलर्स आते हैं, जो गीजर्स आते हैं, जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो कंपनी बनाती है। एंड असेंबल्स वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि ये दूसरे कंपनियों से सामान लेकर उसको असेंबल करके भी बेचने का काम करती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये जो अप्लाइंसेस हैं, जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं या फिर जो एयर कूलर, ये सब बनाने वाली ये कंपनी है। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल की, तो दोस्तों फाइनेंशियल यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड है। टोटल एसेट वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वहाँ पर जो भी वैल्यू दिखेगी वो आपको लाख में दिखेगी। अगर बात करें यहाँ पर एसेट वैल्यू की, तो मार्च 2020 में एसेट वैल्यू आप देखें 1678 लाख के आसपास रही थी। मार्च 2021 में ये 2140 लाख हो गई। मार्च 2022 में ये कम होकर 2527 लाख हो गई। वहीं अगस्त 2022 तक अगर देखा जाए तो 2272 लाख के आसपास होती हुई नजर आई। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 में 2162 लाख का रेवेन्यू, मार्च 2021 में 2603 लाख का रेवेन्यू, मार्च 2022 में अगर देखें तो 2973 लाख का रेवेन्यू, और अगस्त 2022 में अगर बात करें तो 1559 लाख का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4142 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 2020 में, मार्च 2021 में 20 लाख का, यानी प्रॉफिट कम हो गया। मार्च 2022 में देखा जाए तो 38 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने किया है, और मार्च 2022 अगस्त 2022 में देखा जाए तो 100 लाख का, यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हो सकता है बड़ा ऑर्डर मिल गया हो कंपनी को तो प्रॉफिट हो गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आगे बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो ये आईपीओ 31 मई से, यानी आज से 5 जून के बीच ओपन रहेगा। अप्लाई करने के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। 52 से 54 रुपये के बीच इसका प्राइस पॉइंट रखा गया, यानी 54 रुपये में आपको एक शेयर मिलेगा। 2000 से का लॉट रहेगा। इशू साइज़ की बात करें तो करीब 12.30 करोड़ का ये टोटल इशू आने वाला है। फ्रेश इशू के जरिए सारे शेयर आएंगे, यानी कंपनी के पास ही सारा पैसा जाएगा और अलग अलग काम में यूज़ होगा। बुक बिल्ड इशू होगा और SBSE यानी SME में आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 35% का रिटेल रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, तो 2 कारण बताएं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। वहीं अगर लॉट साइज़ की बताएं तो मिनिमम मैक्सिमम 1 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स आएंगे, 1,08,000 रुपये आपको खर्च करना है। वहीं मैक्सिमम मिनिमम HNI कोटा में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4,000 शेयर्स आएंगे और 2,16,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो IPO आने के पहले 100% की प्रमोटर होल्डिंग थी, लेकिन IPO आने के बाद 69.74% की ये रह जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो एयर कंडीशनर, गीज़र, ये सब बनाते हैं, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट में, मतलब ऑलरेडी बड़े प्लेयर मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आएगी। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस IPO से आपको दूर रहना चाहिए, यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आप कुछ भी करते हैं प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आपको दोगे। कुछ भी करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए। ये जानकारी केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको बताई गई। तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।